बॉलीवुड इंडस्ट्री के बदलते सिनेमा में डायरेक्टर विशाल भारद्वाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओमकारा, मकबूल, हैदर जैसी फिल्मों के जरिए विशाल ने अपना एक नया ही जॉनर बनाया है। करियर के इस मुकाम पर पहुंच विशाल गुलजार साहब को अपना मेंटोर मानते हैं। हमारे साथ उनकी ये छोटी सी मुलाकात में उन्होंने हमसे अपनी सीरीज और बदलते सिनेमा पर बातचीत की है। विशाल भारद्वाज ने 80s 90s के दशक में सिनेमा में बदलते हालात के बारे में भी शेयर किया कि क्यों लोगों ने थिएटर्स के बजाय सीडी डीवीडी को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। विशाल ने कहा, 80s 90s में जो सिनेमा की हालत, 80s में जब वीडियो आया, वीडियो के बाद सीडी आया, फिर डीवीडी आया, तो वो 15-20 साल तक वो पूरा वो एक माहौल चलता रहा जिसमें लोगों ने थिएटर जाना बंद कर दिया था। उसका अकेला रीज़न वीडियो का आना या डीवीडी या सीडी नहीं था, उसका एक और रीज़न था, वो था थिएटर्स की हालत, थिएटर का मेंटेनेंस। कोई मतलब ही नहीं होता था उन थिएटर्स में जाके, जिस तरह का चूहे बिल्ली नीचे घूमते रहते थे, थिएटर्स की हालत ऐसी हुआ करती सिंगल स्क्रीन की। एंड देन द कल्चर ऑफ मल्टीप्लेक्स केम, डीवीडी तो वो तभी भी यू नो अवेलेबल है, पायरेट टोरेंट तब भी अवेलेबल था, बट देन इन 2000 अनुराग, माई सेल्फ एंड श्री राम राघवन, वी ऑल केम एंड द सिनेमा टुक अ न्यू टर्न। साथ ही विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म्स के चलते थिएटर्स में रिलीज होने वाली फिल्मों को होने वाली परेशानियों के बारे में भी बात की, साथ ही उसकी वजह भी बताई। विशाल ने कहा, एक बात कहना चाहता हूँ कि एज ए फिल्म मेकर भी हम जब फिल्म चल रही होती है, अगर हम लोग एक फैमिली व्यूइंग हो रही है, एक बड़े टीवी स्क्रीन पे हम सब लोग साथ देख रहे हैं, तो वहाँ से आया वो अमेज़ॉन का OTP देना ज़रा, तो आप व्यूइंग ख़त्म ख़राब नहीं करना चाहते अपने फैमिली की, तो आप बोलते हैं कि अरे तुम लोग देखते रहो, मैं OTP दे के आया। फिर उधर से आया, अरे वो सब्ज़ी वाला आ गया, अरे वो अखबार वाला बिल लेने आ गया। सारे काम चलते रहते हैं और फिल्म भी चलती रहती है पीछे। हमने इसके लिए तो फिल्म नहीं बनाई थी ना, हम चाहते थे कि हमारा एक नुआंस कि एक हीरोइन ने आँख इधर की तो मेरा वो मिस ना कर जाए। वो तो सब मिस हो रहा, मैं खुद मिस कर रहा हूँ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं ये कर रहा हूँ, जो कि सिनेमा लवर है, सपोजिटली सिनेमा लवर है, तो जिसका सिनेमा से मतलब नहीं है, जो सिनेमा सिर्फ देखी एंटरटेनमेंट के लिए रहा है, तो वो तो बोलेगा कि मेरा यू नो उसको इतनी चीज़ें मिस कर दी, बोले कुछ समझ में नहीं क्या फिल्में बनाते हैं लोग, बंद करो दूसरी लगा दो, क्योंकि ऑप्शन इतना ज़्यादा है। इन थिएटर इट्स वेरी इजी टू होल्ड अ व्यूअर्स अटेंशन मोर देन यू नो इट्स ऑन OTT। सो आलिया भट्ट, वरुण धवन, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण समेत सेलिब्रिटीज के बाद अब विशाल भारद्वाज भी फिल्म बारबी फेल किए मुरीद हो गए हैं। हाल ही में विशाल ने विक्रांत मैसी की इस फिल्म के बारे में भी बात की और इसको लेकर अपना रिव्यू भी शेयर किया है। विशाल ने कहा, प्योर फिल्म है, इतनी खूबसूरत फिल्म है और वो उसने इतना अच्छा बिजनेस किया, तो यू नो वन देर सिल्वर लाइनिंग की ओके, इसका मतलब अगर हम जैसे फिल्म मेकर्स को फिल्म बनानी है तो उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि यू नो दैट इट शुड ब्रिंग यू आउट, बिकॉज अदरवाइज हम सबका ये होता है कि अभी 2 वीक में तो आ ही जाएगी ना उसमें OTT प्लेटफॉर्म पे, तो उस तब देख लेंगे, क्यों जाएं हम वहाँ पे। और एक्चुअली जाना जयपुर में तो मुझे पता नहीं कितना मुश्किल होता है, जाना बॉम्बे में थिएटर तक पहुँचना उतने मैनूवर करते हुए ट्रैफिक को, और वहाँ पे जाके वो 500-600 रुपये का पॉपकॉर्न लेना, लूट मचाई हुई है थिएटर वालों ने, उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। कितना ऐसा क्यों करने दे रहे ये सरकार उन्हें कि नो कि वहाँ पे जाके फिल्म का टिकट जितना नहीं होता उससे ज़्यादा का पॉपकॉर्न होता है, तो और अंदर खाने का अपना ले जाने नहीं देते, बड़ा चोरी से ले जाना पड़ता है कि पता ना चले किसी को। सो या सो आई थिंक ये बहुत सिल्वर लाइनिंग है 12th फेल उसमें। विशाल ने अपनी फिल्म फुर्सत के बारे में भी बातचीत की और बताया कि फुर्सत वाज शॉट ऑन आईफोन, तो उसमें या शूट करके एक लिब्रेशन तो हुआ कि इतना छोटा सा यू नो डिवाइस लेके आपने शूट किया, पर उसके साथ इतना इजी भी नहीं होता है उस जिस लेवल का हमने शूट किया वैसा। दो आई वांट टू से कि एवरीथिंग सिंगल एवरी फ्रेम वाज शॉट ऑन आईफोन, देयर वाज वी वर नॉट इवन अलाउड टू थिंक ऑफ एनी अदर कैमरा, बट या ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट थिंग आई थिंक। एंड हर नए आईफोन में वो एक ऐसा फीचर आता जा रहा है, वो दिन पहले भी कहाँ ये सोचते थे, फिल्म के इतने बड़े बड़े कैमरे आते थे,
हम घर पे जब वो V8 से जब अपनी फिल्में बनाने लगे, शादी के वो यू नो वीडियो, अब क्या हो गया कि अब हर एक के पास है तो कैमरा, हर एक से हर कोई अपनी फिल्म बना सकता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि अरे शहीद नहीं बन सकता कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, हमें तो वो मीन्स ही नहीं मिले। सब बिल्कुल अवेलेबल है, आपको टैलेंट चाहिए बस उसके लिए, और साथ में आपको मेडिसिन चीज़ें सेल्फी भी मिलेंगी। विशाल ने ये सब बातें हमसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शेयर की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशाल ने हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के बदलते सिनेमा प्लेटफॉर्म्स और साथ ही उनसे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में भी बताया।